Hey guys, a very good afternoon. How is everyone doing? A very good afternoon, everyone. How is everyone doing? I hope that all of you are doing great. Yes, please acknowledge me in the chat box if I'm audible enough and you are able to see me. फटाफट से चैट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिए अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो. I hope that all of you are doing great. Yes, how is everyone? A very warm welcome to GoPrep everyone. I am Abha Pandey, biology faculty right here at GoPrep. I hope that all of you are doing great. Yes, please settle down as soon as possible. Okay, thank you. Thanks a ton. Hi Mayank, Neha, Niharika, Piyush. Yes. Yes, I do remember everyone. Get settled down and you may call your friends too because today we are going to solve some questions based on the practical exam. तो बच्चा जो आपके practical exam based आज कुछ questions होंगे. Yes, get settled down as soon as possible. Okay. Yes, Anirban. Hi, Aisha. हाँ जी. Yes, जी जी. Mentee भी start होगा. पहले concept तो समझ लो थोड़ा. फिर mentee भी start होगा. Hello there. You may call your friends too for this particular session. हाँ जी. एक दो क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस. ठीक है. या तो मेंटी इज देयर वरी नॉट मेंटी इज देयर. अ वेरी गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट टू गिव यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. योर अपकमिंग मिनी कोर्स इज ऑल अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो सुनील सर इज टेकिंग दिस पर्टिक्यूलर कोर्स. It has already started from 4 January onwards. So if you feel like that you have some doubts in this particular topic, that is atoms and molecules, you can join, you can enroll for this particular course. Basically, it's a 5-day course only. And yes, talking about my next session. So dear, the next session is on 6th of January, that is tomorrow at 4 p.m. in which we are going to solve some important one-liners of the NCERT. ये one-liners ना बड़े कमाल की चीज होती है. आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा लिखना होता है and you will there are chances that you will get full marks in these one-liners. ठीक है. So in tomorrow class what we are going to do, we will do NCERT important one-liners. ठीक है. So do not forget to catch me live tomorrow at 4 p.m. Okay, so are you guys ready for the mentee? Mentee के लिए तैयार है. तो आज के जितनी भी एक्टिविटी है basically they are from your NCERT book. So इससे दो चीजें क्लियर हो जाएंगी आज की क्लास से कि आपने अपनी NCERT कितने अच्छे से पढ़ी है. ठीक है. और प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो ही जाएगा. चलिए. हाँ हाँ पकड़ लेंगे लाइव. वाओ व्हाट आई इंग्लिश का हिंदी किया तुमने अनीश. चलिए. सो एवरीबॉडी कम इन द मेंटी वर्ल्ड एंड द कोड इज 731467. व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू गो टू menti.com. जाइए अपने सर्च इंजन पे menti.com एंटर करिए और ये वाला कोड डाल दीजिए. द कोड इज 731467. हेलो आभा. हाय नेहा. हाय कृतगुन. परिदा, उदय, अनीश, ईशा. ओके ओके. आई विल रिपीट द कोड. इट्स 731467. यस, इनेट टैलेंट है ना अनिश. दैट इज इनेट टैलेंट. ओके. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट बेसिकली दिस क्वेश्चन विल हेल्प कि भाई आपने कितने अच्छे से अपनी पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है. ठीक है. बिकॉज द एक्टिविटी दे आर बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी ओनली. ओके. The code is 731467. Go to menti.com. अपने सर्च इंजन पे जाइए और menti.com एंटर करिए एंड यू विल गेट एंड देन एंटर द कोड दैट इज 731467. हाय परिदा. हाउ टू ज्वाइन मेंटी. बच्चा यू इन योर सर्च इंजन यू हैव टू एंटर 731467. यू हैव टू एंटर menti.com. देन यू हैव टू एंटर द कोड दैट इज 731467. हाय अमन मीना. हाँ जी बच्चे स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे. लेट अदर किड्स ज्वाइन. फटाफट से बच्चे ज्वाइन कर ले नहीं तो उनका मिस हो जाएगा ना क्वेश्चन. ओके. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन. आई विल रिपीट इट अगेन. द कोड इज 731467. चलिए.
सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज लेट अस सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड. ये जो पार्ट मार्क्ड है इसका फंक्शन क्या होता है. टू ब्रिंग स्पेसिमेन इनटू फोकस, टू मूव द स्टेज अप एंड डाउन, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोथ ए एंड बी. सो यू कैन सी दैट द गिवन इमेज इज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड यू नीड टू टेल द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्क. अमन आप तो थोड़ी देर पहले कहते स्टार्ट करो, अभी आप कह रहे हो हाउ टू एंटर. बताया तो बच्चे कि आपको क्या करना है, menti.com पे जाना है और ये वाला कोड एंटर करना है. कोड है 731467. ओके लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू गोना मार्क इट करेक्टली. बहुत से ही. ओके फाइन फाइन. सो वी हैव 17 ऑफ यू दोज हु हैव मार्क्ड इट करेक्टली. इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला कौन है पहले मुझे ये बताओ, किसने मार्क किया इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. चलो सो लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली. ओके भाई सो वी हैव सूर्यांशु लीडिंग द लीडर बोर्ड विद 967 पॉइंट्स. बायोलॉजिस्ट क्रिश रॉयल रॉनिक. लोग अपने आप को रॉयल बना लेते हैं ना. लो कृतगुण भी आ गया. वाह याहिया मैवरिक देवी आयशा एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस इट इज किड्स एंड अमेजिंग आरजू. बच्चे अपने आप को ही अमेजिंग बना लिया, बहुत सही बात है. चलो सो रॉबर्ट लेट अस एवरीबॉडी कम टू द वाईटी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप. ठीक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि पहले अगर आप सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेल हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही तो ऑब्जर्व करेंगे. ओके सो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप्स माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज देयर यूज. ठीक है तो हम क्या करेंगे, हम सेल कैसे पढ़ सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अवेयर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप. ठीक है एंड यस सो द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड. सो द पार्ट मार्क्ड इज दिस एज यू कैन सी ओवर हियर. तो बच्चा ये आपका एडजस्टमेंट के लिए, ये आपका कोरस एडजस्टमेंट करता है ये वाला पार्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटायर पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप. तो इसका काम क्या होता है, व्हेन यू विल रोटेट इट. तो बच्चा इससे क्या होता है, इससे स्टेज के पास आपका जो लेंस है वो स्टेज के पास जाएगा. ठीक है एंड यस इट बेसिकली इट ब्रिंग्स द स्पेसिमेन इनटू फोकस. ये फोकस को बढ़ाने में भी काम आता है बट इट नेवर इंक्रीज और इंटेंसिफाई द लाइट. सो बच्चा करेक्ट आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी. सो लेट अस टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप. बेसिकली व्हाट एक्चुअली अ माइक्रोस्कोप इज, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. ठीक है सो देयर शुड बी ओके सो देयर शुड बी टू मेन रोल. तो बच्चा दो मेन काम क्या होता है माइक्रोस्कोप का. The first one is to magnify the object. Let us consider the object is very small. ठीक है तो इसको magnify करना. तो पहला काम तो हो गया magnification. Talking about the second one, ठीक है talking about the second one that is अगर कोई दो चीज बहुत ज्यादा close है so the microscope should be able to differentiate between them, it should be able to distinguish between them. तो ये अपना microscope का काम होता है. Now talking about the microscope, so as you can see there is a microscope. चलिए एक एक करके इसके part के बारे में discuss करते हैं. So this particular part is called as stage. What you do on a stage? So basically जो भी आपकी स्लाइड प्रिपेयर होगी ना, you will keep your slide on this particular stage. ठीक है And what is the role of these clips? As you can see there are two clips. Okay? So what are the role of these two clips? These two clips they hold the microscope at position. ठीक है ये इस माइक्रोस्कोप को सॉरी दे होल्ड दी स्लाइड माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एट द पोजिशन. ठीक है फिलहाल नहीं है बच्चा, होता तो मैं पक्का बता देती. नाउ सो स्टेज पे हमने अपना स्लाइड रखा, इस स्लाइड को उसके पोजीशन पे बनाए रखने का काम होता है ये क्लिप्स का. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वन,
ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज आर्म, तो ये क्या करता है माइक्रोस्कोप को उठाने में, यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल होल्डिंग अ माइक्रोस्कोप, आप अपने आप माइक्रोस्कोप को उसके आर्म से पकड़ेंगे और उसका जो ये बेस वाला पार्ट है उस पे अपना दूसरा हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है। सो बेस ऐसे रखेंगे दूसरे हाथ पे और आर्म से माइक्रोस्कोप को पकड़ेंगे, दिस इज द बेस्ट वे टू होल्ड अ माइक्रोस्कोप। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लेंस, इट इज कॉल्ड आईपीस। आईपीस से आप क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं अपनी स्लाइड को, जब अपने अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं इसीलिए इसको बोला गया आईपीस। और इसका क्या काम, इस पूरी ट्यूब का काम क्या है, आपकी आईपीस को कनेक्ट करना ऑब्जेक्टिव लेंस से, ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बेसिकली फोकस करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू फोकस, तो क्या करेगा, हमको हमारा कितना मैग्निफिकेशन चाहिए, सो इसका मैग्निफिकेशन रेट डिफरेंट होता है, आप देख सकते हैं 1-2, इट डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्कोप एज वेल, ठीक है। हाँ जी, यहां से ऑब्जर्व करते हैं, यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे, जो ये वाला लेंस होता है वो फोकस करता है आपकी स्लाइड पे, इट इज ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन 10, 100, डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्कोप। सो आप दिस बेसिकली अपना रिवॉल्व करता है, इट इज अ रिवॉल्विंग नोज पीस, इट रिवॉल्व, ओके ओके, सो इट रिवॉल्व एंड यस, आपको 10 मैग्निफिकेशन के थ्रू देखना है तो आप 10, 100 से देखना है तो 100, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है। दिस पर्टिकुलर इज अ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेंसिफाइंग द लाइट, ठीक है। ये आपका अपने लाइट सोर्स की तरफ होना चाहिए। देयर आर टू एडजस्टमेंट, कोरस एडजस्टमेंट एंड द फाइन एडजस्टमेंट नॉब, ठीक है। ओके, कोई नहीं, जब जैसे मेरा आ जाएगा मैं आप लोग को उसके थ्रू भी समझा दूंगी, वरी नॉट अबाउट दैट, ठीक है। सो देयर आर एडजस्टमेंट नॉब्स, द एडजस्टमेंट नॉब्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे आर यूज टू फोकस द माइक्रोस्कोप, फोकस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और स्टेज तो मैंने आपको बता ही दिया, सो दीज आर द मेन, ओके, दीज आर द मेन पार्ट ऑफ अ माइक्रोस्कोप। टॉकिंग अबाउट द डायफ्राम, इट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट विच रीचेस द स्पेसिमेन, यहां से स्पेसिमेन में कितनी लाइट जा रही है, इसमें डायफ्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बच्चा, बेसिकली दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ, थोड़ा इस बार कोविड की वजह से हो गया इश्यू, बट स्टिल कोई ना, हम यहाँ पे वो वाली कमी भी पूरी कर लेंगे, हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप को भी स्टडी कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को। सो टेक केयर ऑलवेज हाउ यू हैव टू होल्ड योर माइक्रोस्कोप, यू हैव टू होल्ड योर माइक्रोस्कोप, ठीक है, किससे, माइक्रोस्कोप के आर्म से, एंड यू हैव टू प्लेस द बेस ऑफ अ माइक्रोस्कोप ऑन योर अनदर हैंड, दिस इज द बेस्ट वे टू होल्ड अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अभी फिलहाल ईशा इस टाइम मेरे पास प्रेजेंट नहीं होता तो बच्चा आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। हाँ हाँ, ऋतुगुण, ठीक है। सो आई होप दैट द पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डू यू हैव एनी डाउट इन द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा कितने लेंस थे, दो लेंस थे, एक आपका ऑक्यूलर लेंस और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। चल, हाँ जी, मेरी लैब है ना, तो क्या दिक्कत क्या है, मेरी लैब से पढ़ लो आप लोग। हाँ, आ जाओ फटाफट से। Now everybody come to the Mentiverse so we can do the next question. बड़ा बच्चा आ जाओ, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है मैं कोड बता देती हूँ, इट्स द कोड इज 731467. What you need to do, you need to go to menti.com, you need to enter the code that is 731467. हाँ जी हाँ जी, आ जाइए फटाफट से मेंटी की दुनिया में। उदय मेंटी, हाँ बच्चे मेंटी ओपन करिए, आपके पास फोन में गूगल क्रोम होगा या फिर कोई भी सर्च इंजन होगा, उस सर्च इंजन में आप डालिए बच्चे menti.com, क्रोम होगा, फायरफॉक्स होगा, जो भी होगा उसमें आप एंटर करिए menti.com और आप इस कोड को एंटर करिए, वो पूछेगा एंटर द कोड, सो यू नीड टू एंटर द कोड 731467, सिंपल है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो आइडेंटिफाई द इमेज शोन, यू नीड टू आइडेंटिफाई द इमेज शोन,
इट इज अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप सेल और इट इज अ टेम्पररी माउंट ऑफ चीक सेल. सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी में. अब आपने एनसीईआरटी को कितने अच्छे से पढ़ा वो तो आपको ही पता होगा. ठीक है, टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप सेल या फिर टेम्पररी माउंट ऑफ चीक सेल, वेरी इजी. ठीक है, अब टेम्पररी माउंट भी कैसे करते हैं इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे. और टेम्पररी माउंट क्यों बोला, ठीक है, टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप सेल, टेम्पररी माउंट ऑफ चीक सेल. ओके ओके दैट्स ग्रेट. गुड इवनिंग वांश, गुड इवनिंग. सो वी हैव 22 ऑफ यू जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा, ये बाकी 11 जाके एनसीईआरटी पढ़ लो. ठीक है, चलो पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं. ओके ओके, सो वी हैव सूर्यांशु लीडिंग द लीडर बोर्ड फॉलोड बाय रॉयल रॉनित, कृतगुण, मैवरिक, देवी, आयशा, अमेजिंग अर्जुन जी, अनीश भी आ गया, यशा, ईशा कुमारी, अनुप्रिया. दैट्स ग्रेट. सो बच्चों क्वेश्चन, आप ये जो इमेज था वो आपके एनसीईआरटी से था. बड़े सुंदर से एनसीईआरटी ने ये इमेज दिया हुआ है. ठीक है, टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप. जरा एक क्वेश्चन का आंसर दे देना चैट बॉक्स में. रूट टिप है तो टिश्यू कौन सा होगा, फटाफट से मुझे बता दो. रूट टिप है तो टिश्यू कौन सा होगा, टेल मी. The question is saying identify the image shown. It is a temporary mount of onion root tip cell or it is a temporary mount of cheek cell. Yes, that's great. That's great. So many of you are saying, ma'am, it's meristematic, apical meristem. हाँ जी बच्चा, अगर meristematic टिप की बात कर रहा है तो टिप पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये हम सबको पता है कि एपिकल मेरिस्टम, द वन विच इज प्रेजेंट एट द अपाइसिस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, हम उसको बोल देंगे एपिकल मेरिस्टम. तो बच्चा ये इमेज एनसीईआरटी से उठाई हुई इमेज है, थोड़ा सा चेंज होगा ऑब्वियसली. ये है अपने टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप सेल. तो बच्चा इस इमेज के लिए आपके एनसीईआरटी में क्या, इस प्रैक्टिकल के लिए एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि हम दो अनियन लेंगे. ठीक है, एंड बेसिकली व्हेन यू ऑब्जर्व अनियन यू सी दैट व्हाइट व्हाइट कलर के रूट्स उसमें निकल रहे होते हैं. सो बेसिकली दिस इज अ स्लाइड ऑफ द टिप. क्या क्या होगा, उस रूट टिप के छोटे छोटे सेक्शन कट किए होंगे. ठीक है, और उसको ऑब्जर्व किया होगा अंडर द माइक्रोस्कोप. मैम ये टेम्पररी माउंट क्यों है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पररी माउंट. तो बच्चा टेम्पररी माउंट का मतलब ये होता है कि आप इस स्लाइड को तुरंत देखिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि भाई मैं इस स्लाइड को आज से एक हफ्ते बाद या फिर एक दिन बाद देखूंगा. नो, यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व एनीथिंग अंडर दैट पर्टिकुलर, लाइक यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड. इसीलिए इसको बोला गया टेम्पररी माउंट. तो बच्चे दो तरीके की स्लाइड बनती है, एक होती है टेम्पररी, एक होती है परमानेंट. ठीक है, टेम्पररी माउंट आपने उसी वक्त देखा जो भी आपको ऑब्जर्व करना था अंडर माइक्रोस्कोप, आपने ऑब्जर्व कर लिया. और परमानेंट क्या होता है, दैट यू कैन ऑब्जर्व इट आफ्टर, इट डिपेंड्स दैट यू कैन ऑब्जर्व इट आफ्टर अ ईयर और सो. ठीक है, सो बेसिकली टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप सेल यहाँ पे इसीलिए दिया गया. इज इट क्लियर टू यू गाइस व्हाट इज टेम्पररी माउंट. ठीक है, हाँ तत्काल की टिक, कुछ भी कृतगुण. ठीक है, ओके, सो बेसिकली टेम्पररी माउंट क्या होता है बच्चा, टेम्पररी माउंट वो होता है जिसको हम तुरंत तुरंत ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, अनियन रूट टिप का टेम्पररी माउंट. अब बच्चा क्या होता है, just try to understand it that how you can prepare it. So what you need to do, you need to take your specimen. तो आपको बच्चा क्या करना होगा, अपना स्पेसिमेन लेना होगा जो भी होगा, मे बी इट अ अनियन पील, मे बी इट अ अनियन रूट टिप. ठीक है, देन यू विल टेक अ स्लाइड. ठीक है, अब बच्चा क्या होता है, यू हैव टू टेक एनी मटेरियल, एनी स्टेन, इट डिपेंड्स. आप स्टेन लेंगे,
स्टेनिंग भी दो तरीके की होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली ये जो आपका स्लाइड है ये स्टेन है। बच्चा अगर इस पे स्टेन नहीं डाला होता तो ये जो आपको कलर नजर आ रहे हैं ना अलग अलग, यू कैन सी ब्लू कलर, यू कैन सी पर्पलिश कलर, तो पिंकिश पर्पल कलर, तो ये आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इस स्लाइड को क्या किया है बच्चा, इस स्लाइड को स्टेन किया है। स्टेन क्यों किया जाता है, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स क्लियरली। ठीक है, अब बच्चा बात करते हैं साथ में यूज किया जाता है समटाइम ग्लिसरीन लाइक मटेरियल। तो ये मटेरियल बच्चा क्या करता है, ये आपके ठीक है कृतगुण ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। ठीक है, अब और बच्चा क्या किया जाता है साथ में, जैसे आपका ग्लिसरीन लाइक मटेरियल यूज किया जाएगा जो कि क्या करेगा, विच मेक श्योर कि आपकी जो स्लाइड है वो ड्राई ना हो। ठीक है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्लिसरीन, इट मेक श्योर जो आपकी स्लाइड है, जो आपका स्पेसिमेन है वो ड्राई ना हो, देन यू विल ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, और साथ में बच्चा आपको क्या करना होता है, आपको बहुत ध्यान से उसके ऊपर कवर स्लिप डालनी होती है, बहुत ही ध्यान से, नहीं तो बबल्स आने के चांसेस होती हैं। अब हम बबल्स को भी, हमको ये लगता है अरे कोई स्ट्रक्चर होगा, बट वो क्या होता है, वो एग्जैक्टली बबल होता है। ठीक है, इट्स क्लियर। चलिए एवरीबॉडी कम टू मेंटी वर्ल्ड अगेन। हाँ, आई विल ब्रिंग सो जब आप वीकली स्केड्यूल देखेंगे, आई विल शो यू द वीकली स्केड्यूल इस पर्टिकुलर वीक का। इसमें बच्चा दो क्लासेस हैं, लास्ट टू क्लासेस इन विच वी आर गोइंग टू रिवाइज, ओके, वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर सीबीएसई। तो बच्चा वो होने वाला है मेगा मेंटी, उसमें मैं टाइम रखूंगी, टाइम स्पेंड रखूंगी कम, क्वेश्चन रखूंगी ज्यादा, तो अच्छे से करके आना, रिवाइज मैंने अभी से आपको बता दिया है। ठीक है, चलो everybody now come again to menti and let us see what actually the next question is for those who have just joined dear. theek hai, the code is 731467. everybody come to the menti world, and yes, if you are enjoying the session do not forget to hit the like button. okay fine, you may share this session to your friends also so unko bhi pandemic mein ye sari cheeze समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए लेट अस सी व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन नंबर थ्री इज। तो भैया क्वेश्चन नंबर थ्री अब आपको बताना है। नाउ यू नीड टू आंसर, रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेस द एग, पुट द एग इन प्योर वॉटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, वट विल यू ऑब्जर्व, यू हैव टू राइट द आंसर। आपने क्या किया, आपने एक अंडा लिया प्यारा सा, उसके शेल को रिमूव किया। अभी देख लो ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की है, दैट द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि एग का शेल किसका बना होता है, तो मैंने फिर लाइक ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, दैट द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, अ थिन आउटर स्किन नाउ क्लोजेस द एग, put the egg in pure water and observe after 5 minutes. उदय आप दूसरे किससे उससे try कर लीजिए मोबाइल से, I don't know, but सबका open हो रहा है डियो। Okay, fine, 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 fine. Okay. So we have how many of you? तो मैंने बच्चा 3 इसके करेक्ट आंसर रखे थे। ठीक है, स्वेल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, मैं समझा रही हूँ कृतिगुण, इट विल स्वेल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। मैंने स्वेल अलग से लिखा था, मैंने लिखा था कि स्वेलिंग अलग से लिखा था। ठीक है, एंड यस, लेट अस सी, लेट अस हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड। तो बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, ओके बच्चों, उसने वो नहीं पूछा कि प्रोसेस कौन सा हो रहा है, नहीं, उसने पूछा व्हाट विल यू ऑब्जर्व, विल यू ऑब्जर्व, ओके, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व दैट वो स्वेल कर गया, उसने आपकी ऑब्जर्वेशन पूछी। सो वी हैव मैवरिक लीडिंग द लीडर बोर्ड विथ 2890 पॉइंट। हाँ, सेल विल स्वेल अप, मैंने ये पॉइंट लिखा है बच्चा, द सेल विल स्वेल अप। चलिए फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ।
ओके चलिए फाइन। ओके, किसने लिखा है? एग विल स्वेल अप। मल्टी आंसर्स हो गए, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन कह रहा है दैट आपने क्या किया, यू हैव रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चा आपने शेल को कैसे रिमूव किया? ओ पहले आप ओके 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 जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो बच्चा आपने क्या किया, आपने सेल को एक हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन में रख दिया। जैसे ही बच्चा आपने हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन में रखा, उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद हुआ होगा कि आपका शेल रिमूव हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि सेल को किस में रखा गया होगा। तो आपको याद रखना है कि सेल को पहले हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन में रखा गया। ठीक है, और उससे क्या हो गया बच्चा, उससे ये हुआ कि जो सेल है उसका कैल्शियम कार्बन जो शेल है वो रिमूव किया गया। ठीक है, अब ओके नहीं ऑप्शन देना चाहिए था, अब कोई बात नहीं, अब तो नहीं दिया ना, चलो अभी ये समझ लो ना। अब बच्चा उससे क्या हुआ, नाउ यू हैव केप्ट द सेल इन द वॉटर। तो बच्चा आपने सेल को प्योर वॉटर में रखा। सो व्हाट हैपेंड द मीडियम, ठीक है, सो व्हाट हैपेंड द मीडियम कंटेन्स प्योर वॉटर। प्योर वॉटर ऑब्वियसली इट इज डाइल्यूटेड, उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, एंड यस दैट्स व्हाई द वॉटर विल एंटर फ्रॉम द मीडियम टू द सेल, हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग ऑफ द सेल। व्हाट हैपेंड निहार का, ओके ठीक है। सो बच्चा क्या होगा, बच्चा ये आपका मीडियम है, मीडियम में वॉटर होगा, द वॉटर विल एंटर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एंड यस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ योर एग। ओके, आई होप इट्स क्लियर। व्हाट इज ऑस्मोसिस ये भी हम पहले पढ़ेंगे, पहले हम करेंगे अपना ओके पहले हम करेंगे मेंटी। ऑस्मोसिस तो पता है सबको, ठीक है, दैट्स ग्रेट। जिसको नहीं पता अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। नाउ एवरीबॉडी कम इन द मेंटी वर्ल्ड अगेन। ईशा यू नीड टू बी ऑन टाइम डियर। चलिए व्हाट हैपेंड अमन, 731467 इज द कोड, अगेन आपको यही करना है। ठीक है, आपको यही करना है, यू नीड टू गो टू menti.com। अगर आपको गड़बड़ी, आपको कंफ्यूजन होता है ना कि स्वेल होगा कि श्रिंक होगा, तो हमेशा आप ये सोचिए जब आप किशमिश को पानी में डालते हैं तो उसके साथ होता क्या है। ठीक है, जब आप किशमिश को या फिर वेन यू लाइक आमंड्स को आप पानी में डालते हैं तो आमंड्स के साथ होता क्या है, तो आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये आप ऑब्जर्व करते हैं इन योर डेली लाइफ, तो आपके लिए इजिली हो जाता है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट एक्चुअली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग, प्लेस एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। यस, लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू गोना मार्क इट करेक्टली। सेम है क्वेश्चन, नॉट इज इजी फॉर मेनी ऑफ यू टू मार्क द आंसर। जस्ट राइट द आंसर इन वन वर्ड, इट विल बी इजी फॉर यू, जल्दी टाइम में भी हो जाएगा। ओके रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, अ थिन आउटर स्किन हो जाएगा। ओके सो यस लेट अस सी द लीडर बोर्ड।
ओके ओके फाइन फाइन. सो वी हैव मैवरिक लीडिंग द लीडर बोर्ड फॉलोड बाय पीयूष निहारिका लविछू खुशबू विल कैच यू टुमारो थैंक्स टू चांदिया सूर्यांशु रॉयल रॉनित पितुगुन देवी आयशा आरजू. ठीक है अनीश, मैंने उसको ऑप्शन में रखा था बच्चा, द सेल्विल स्ट्रिंग मैंने उसको ऑप्शन में रखा था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसकी तरह ही है, आपने आपके उस क्वेश्चन की तरह ही है. रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेस द एग. अब आपने क्या किया बच्चा, आपने एग को एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा. ठीक है मैंने लिखा बच्चा, ठीक है. सो बच्चे आपने एग को एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखा. सो व्हेन यू पुट योर सेल इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन व्हाट हैपन, द वॉटर इज मोर इन योर एग, द वॉटर इज मोर इन योर एग. ठीक है एंड दैट्स वाई द वॉटर विल कम आउट फ्रॉम द एग इन टू द मीडियम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द श्रिंकिंग ऑफ योर एग. ओके नाउ सो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि वाटर क्या मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो अब आप इसको आराम से देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल है द रेड वन रिप्रेजेंट्स द शुगर मॉलिक्यूल. अब बच्चे क्या, द शुगर मॉलिक्यूल इज लेस हेयर बट द शुगर मॉलिक्यूल इज मोर हेयर. So what happened, which means the water is more here and water is lesser comparatively. So water will move from its high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. So बच्चों osmosis के लिए semi-permeable membrane का होना बहुत important है. So what is semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane is a membrane which allow only few substances to pass through it. जो हर किसी को नहीं, ठीक है, वो क्या जो क्या करती है बच्चा, वो जो हर किसी को नहीं, विच अलाउ ओनली फ्यू सब्सटेंस टू पास थ्रू इट. नहीं बच्चा स्ट्रिंग तो रॉन्ग हो नहीं सकता, मैंने ऑप्शन में रखा है, आपने स्पेलिंग गलत कर दी होगी जल्दी जल्दी में, मे बी. ठीक है सो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन to low concentration through a semi-permeable membrane. तो बच्चा अगर आप semi-permeable membrane नहीं लिखेंगे तो आपको marks नहीं मिलेंगे. इसी का ऑपोजिट होता है जो हमारे घर में आरओ होते हैं, वाटर प्यूरिफायर, जिनको हम आरओ बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस. बच्चा आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसमें ऑपोजिट होता है. ठीक है क्योंकि ऑस्मोसिस का रिवर्स मतलब ओके फाइन. ठीक है तो बच्चा क्या होगा, ओके लेट अस कंसीडर कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वाटर ज्यादा है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इम्प्योरिटी ज्यादा है, स्टिल द वाटर विल मूव. ठीक है स्टिल द वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू सॉरी स्टिल द वॉटर विल मूव फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. क्यों, क्योंकि बच्चा वॉटर को हमें प्यूरिफाई करके उसकी जहां पे जाफ वाटर है वहां पे हम भेजते हैं. सो इन आवर आरओ, ठीक है, देयर इज ऑपोजिट ऑफ द ऑस्मोसिस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज करेक्ट, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, सो लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू गोना मार्क इट करेक्टली. वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आई रिपीट द कोड अगेन, इट्स 7173 1467. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड ओके सो विल सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क.
एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. द प्रोसेस शोन बिलो इज, द प्रोसेस शोन बिलो इज, आपको वन वर्ड में आंसर देना है. द प्रोसेस शोन बिलो इज, यू नीड टू आंसर इन वन वर्ड. ओके, द प्रोसेस शोन बिलो इज, यू नीड टू आंसर इन द वन वर्ड. मैंने पहले ही बोल दिया वन वर्ड में आंसर करना है, फिर मत बोलना हमने सही लिखा था तो मार्क्स नहीं मिले. ओके ओ भाई, ओ भाई, सैफ्रॉन रिमूवल किसने लिखा है ये? पहली बात तो सैफ्रॉन नहीं होता बच्चा, सैफ्रिन होता है. ओके सो वी हैव हाउ मेनी ऑफ यू दोज हु श्रिंकेज हाइपोटोनिक एक्सोस्मोसिस. ठीक है, टिश्यू ऑफ मीट. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली? सो मेनी ऑफ यू. सो वी हैव पीयूष लीडिंग द लीडर बोर्ड विथ 3890 पॉइंट्स. दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस टू यू. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बच्चे गलत हो गया, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे नेक्स्ट टाइम गलत ना हो. ठीक है, तो बच्चे द प्रोसेस शोन बिलो इज प्लाज्मोलाइसिस. बड़ा सिंपल सा आपको यहाँ पे इमेज दिखाया हुआ है कि क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा हो रहा है ना उसका लाइसिस हो रहा है. ठीक है, श्रिंक हो रहा है और मेम्ब्रेन को छोड़ के वो सेंटर या फिर कॉर्नर में शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन दिस GIF यू कैन इवन ऑब्जर्व दैट सी प्लाज्मा इट इज गेटिंग श्रिंक. ओके, एंड इट इज प्लाज्मोलाइसिस का मतलब तो हमने पढ़ा ना बच्चा क्या होता है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. ठीक है, और प्लाज्म आपको पता है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म का ब्रेक डाउन हम क्या कर देंगे, क्या कह देंगे बेसिकली, उसको हम बोल देंगे प्लाज्मोलाइसिस. तो बेसिकली व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट स्टार्ट लूजिंग वाटर एंड बिकॉज ऑफ विच इट गेट द साइटोप्लाज्म इट गेट श्रिंक एंड इट कम्स टू द कॉर्नर. तो उसको हम बोलते हैं बच्चा प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, टू बी वेरी क्लियर इट इज द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल. ठीक है, एंड इट इज कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ वॉटर इन द सेल. ओके, श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. सो व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, आई होप कि आपको ये अभी जितने भी हमने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन किए उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी आपको भी क्लियर हैं. एंड यस, those who want to enroll for this course, it has already started. ठीक है, 4th of January से start हो चुका है. You can enroll for this particular course. And yes, those who have not downloaded the GoPrep Live Learning app, they can download it. You will get a lot of facility in the app as well as you will get a lot of interactive classes too. And yes, this is a schedule for the entire week. तो कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? कल की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स. बड़ी मजेदार चीज होती है वन लाइनर्स, और ये थर्सडे और सैटरडे को हम करने वाले हैं एंटायर. ओके, एंटायर सीबीएसई बोर्ड का जो रिवाइज सिलेबस है उसका रिवीजन. ठीक है, रिवीजन पार्ट वन एंड रिवीजन पार्ट टू. सो इट विल बी अ कंप्लीट मेंटी क्लास, दे बोथ विल बी अ कंप्लीट मेंटी क्लास. सो I'm going to have a lot of fun. See you guys in the next class. If you enjoyed the session, do not forget to hit the like button, to subscribe the channel and to press the bell icon. And tab tak ke liye bye bye. Take care. God bless. See you all in the next class.